كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون محترم مكرم لائق صد احترام आज के इस पुर रौनक बज़्म दीनी मजलिस के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतु शेख मौलाना अब्दुल मुईद असरी हफ़िज़हुल्लाह इस्टेज पर तशरीफ़ फरमा और दूसरे बुज़ुर्गान मिल्लत उलमाए किराम मेरे सामने तशरीफ़ फरमा दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों और दोस्तों पर्दा नशी माओ और बहनों सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ हम्दो सना जिसने हम तमामी को एक दीनी मजलिस में दीनी सभा में एकत्रित इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ हम्दो सना करते हुए हम सब बैगज़बाँ होकर कहे अल्हम्दुलिल्लाह बादहु बिलउमूम उसके तमाम अम्बिया इकराम पर और बिलखुसूस उसके आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि वसल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरा बिरादरान इस्लाम गुज़श्ता कल मैंने आप हजरात के सामने हमारे आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी सिफात के ताल्लुक से ऊंचे अखलाक चरित्र और कैरेक्टर के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बयान किया था साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो मोजज़े सादिर हुए उन मोजज़ात का बयान भी आपके सामने उन मोजज़ात में से एक मोजज़ा का बयान आपके सामने किया गया था और मैंने कहा था कि मज़ीद कुछ और मोजज़ात के ताल्लुक से आइंदा कल बयान करने की कोशिश करूँगा लिहाजा वादे के मुताबिक आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए
बहुत सारे मोजज़ात सादिर हुए। उन मोजज़ात में से चंद मोजज़ें चंद मोजज़ात का बयान आपके सामने अहादीस की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूँगा उमा तौफीक इल्ला बिल्ला। बरादरान इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बहुत सारे मोजज़ात सादिर हुए, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा, सबसे महान मोजज़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वो जानते हैं वो क्या मोजज़ा था? वो कुछ और नहीं बल्कि कुरान मजीद। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मोजज़ा था। जितने मोजज़ात सादिर हुए उन तमाम मोजज़ात को आप इकट्ठा एक तरफ रख लीजिए, एक तरफ कर दीजिए और कुरान मजीद को एक तरफ कीजिए। ये कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मोजज़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। हर एक नबी को कुछ ना कुछ मोजज़ा अता किया गया था। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जो मोजज़ा दिया गया वो कुरान मजीद था। अब देखिए सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है, उसका एक दूसरा नाम सूरतुल इसरा। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 88 उठा करके देखें, कुरान के बारे में कहा गया, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बयान कर दीजिए, अगर इस दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर के, तमाम के तमाम इंसों जिन मिल करके अगर कुरान जैसा एक कुरान तैयार करना चाहे, दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी इंसान हैं, जितने भी जिन्नात हैं, ये तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात अगर इकट्ठा हो जाए, अगर एकत्रित हो जाए और सब मिलकर के अगर कुरान जैसा एक कुरान बनाना चाहे, ला या तू नबी मिसली ही, कुरान जैसा कुरान बना नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना बन जाए, एक दूसरे के मुआविन ही क्यों ना बन जाए, दुनिया के तमाम इंसानियत, दुनिया के तमाम जिन्नात अगर इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाए और सबके सब मिलकर के भी कुरान जैसा अगर एक किताब बनाना चाहे, लाया तू नबी मिसली ही, उनके बस की बात नहीं है। ये कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको नाजिल किया गया है। ये किसी इंसान की किताब नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं, किसी इंसान का घड़ा हुआ ये कलाम नहीं है। इसलिए दुनिया के तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, जिन्नात को भी ले ले, एक दूसरे की मदद भी करने लग जाए, एक दूसरे की सहायता भी करने लग जाए, लेकिन एक कुरान जैसी किताब तैयार करना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, इसलिए तमाम की तमाम इंसानियत और जिन्नात मिलकर के अगर एक कुरान जैसा कुरान किताब अगर तैयार करना चाहे, ये उनके बस की बात नहीं है। पता ये चला कि कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मोजज़ा था, सबसे महान मोजज़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। क्या ऐसे नबी पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए?
कि ऐसे नबी को हमने पाया जिनके ऊपर ये कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया, हिदायत का माध्यम है, जिस कुरान मजीद के जरिए से हम तमाम की तमाम चीज़ों का हल, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं, वो कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता की गई, हमें उस कुरान मजीद को दिया गया। यह हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत है, ये गर्व की बात है कि हमने ऐसा नबी पाया और उनकी तालीमात को हमें अपने ज़िंदगी में लागू करने की ज़रूरत है। अब आइए ज़रा देखते हैं, कुरान मजीद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा मोजज़ा है, इसके अलावा और बहुत सारे मोजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सादिर हुए हैं। एक मोजज़ा का बयान मैंने कल आपके सामने किया था, वो प्याला, लोहे का प्याला था और उस पानी से बहुत सारे लोगों ने उस प्याले के पानी से वज़ू कर लिया। आइए चंद और मोजज़ात का बयान आपके सामने करता हूँ अहादीस की रोशनी में। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 3572, मैं हदीस के अल्फाज नहीं पढ़ता हूँ वक्त की किल्लत की वजह से। सही बुखारी हदीस नंबर 3572, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के राबी, इस हदीस के नैरेटर है, बयान करने वाले हैं। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम मकाम ज़ौरा में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। मकाम ज़ौरा, ये मकाम ज़ौरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, ये मदीने का एक मशहूर व मारूफ बाज़ार था, मशहूर व मारूफ बाज़ार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सहाबा इकराम मकाम ज़ौरा में मौजूद हैं। हदीस के अल्फाज हैं, दा बेकदहिन थी है माँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। प्याला मंगवाने के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ उस प्याले के अंदर दाखिल कर दिया। ज्यों ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस प्याले के अंदर दाखिल किया, फजअला यंबू मिन असाबिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी के फव्वारे फूटना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी बहना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। अब वहाँ जितने भी सहाबाए इकराम मौजूद थे, तमाम के तमाम लोगों ने उस प्याले के पानी से, जिस प्याले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी का फव्वारा फूटना शुरू हुआ, पानी निकलना शुरू हुआ, उस प्याले से बहुत सारे लोगों ने वजू कर लिया। राबी हदीस, हदीस के राबी कतादा बयान करते हैं, मैंने सवाल किया अनस बिन मालिक से, मैंने पूछा कम कानू, लोग कितने वहाँ थे, सहाबे इकराम की संख्या और तादाद क्या थी। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, लोगों की तादाद क्या थी। अनस बिन मालिक जवाब देते हैं, काना सलासा मिया औ ज़ुहा असलासा मिया, लोगों की तादाद एक दो तीन तादाद नहीं थी, लोगों की तादाद 300 या 300 के करीब करीब तादाद थी। 300 लोगों ने एक छोटे से प्याले से वजू कर लिया, जिस प्याले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को रखा और इस बरकत से आपकी उंगलियों से पानी का फव्वारा इस तरह से निकलने लगा कि लोग तमाम के तमाम लोगों ने उस छोटे से प्याले से वजू कर लिया। ये हमारे नबी थे, ये नबी हमारे आखिरी नबी है। क्या ऐसे नबी को पाने के बाद, ऐसे नबी के उम्मत बनने के बाद क्या हमें फख्र नहीं होना चाहिए, क्या हमें ये गर्व नहीं होना चाहिए, क्या अब भी हम ऐसे नबी की तालीमात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिस नबी की हर एक चीज बाईस रहमत है, हर एक चीज के अंदर बरकत ही बरकत थी। ये 300 आदमी ने, एक दो तीन आदमी ने, बल्कि 300 आदमी ने एक छोटे से प्याले से वजू कर लिया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत, उंगलियों से। ये जादू से कुछ कम नहीं था, लेकिन ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मोजज़ा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये मोजज़ा सादिर हुआ।
सिर्फ इतना ही नहीं, आगे बढ़िए। सही बुखारी की और एक हदीस 3576, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला इस हदीस के रावी है, नरेटर है, बयान करते हैं। सही बुखारी 3576 रिवायत उठा करके देखिए। जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, सुलह हुदैबिया का मौका था। सुलह हुदैबिया जो सन 6 हिजरी में वाक़ हुआ, सुलह हुदैबिया में जिसमें मुसलमान और काफिरों के दरमियान चुक्ति हुआ था, वो पूरा वाक़िया है, मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता। जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, सुलह हुदैबिया का मौका था, लोगों को शदीद प्यास लगी, सहाबाए किराम प्यास के मारे बिलबिला रहे थे, लेकिन उनके सामने पीने के लिए कोई पानी नहीं था, वजू करने के लिए भी कुछ पानी नहीं था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छोटा सा प्याला था, उस प्याले को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करना शुरू कर दिए। ज्यों ही नबी ने वजू करना शुरू किया, तमाम के तमाम सहाबाए किराम मारे घबराहट के, मारे परेशानी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के कहने लगते हैं, अय अल्लाह के नबी, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास वजू करने के लिए पानी नहीं है, हम पिए तो कैसे पिए, हम प्यास बुझाए तो कैसे बुझाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला देखा, लोगों के पास ना पीने के लिए पानी है, ना वजू करने के लिए पानी है, आपने अपने हाथ को उस प्याले के अंदर दाखिल किया, दाखिल ही करना था। ये दूसरा वाकया है, सुलह हुदैबिया का ये वाकया है, आपने अपने हाथ को दाखिल किया, दाखिल करते ही आपके उंगलियों से चश्मे की तरह पानी फूटना शुरू हो गया। पहाड़ी झरना को हमने देखा है, पहाड़ के अंदर जो झरना और चश्मा से पानी निकलता है, फ्रेश वाटर होता है, उस वाटर से इंसान वजू भी कर सकता है, गुसल भी कर सकता है, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहाड़ के झरनों से, पहाड़ के चश्मों से जिस तरह से पानी निकलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से चश्मों की तरह पानी फूटना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ सहाबाए किराम आओ और जिनको भी पीने की ज़रूरत है पानी पीने लग जाओ, जिनको वजू करने की ज़रूरत है वजू करना शुरू कर दो। एक तरफ से एक एक करके तमाम के तमाम लोगों ने पानी पी करके आसूदा हो गया, सैर हो गया, वजू भी कर लिया। अनस जाबिर बिन अब्दुल्ला से जब सवाल किया गया कि वो लोगों की तादाद कितनी थी, लोगों की संख्या कितनी थी, मेरे भाई और दोस्तों जरा गौर करने का मकाम है, जाबिर बिन अब्दुल्ला का जवाब क्या होता है। जाबिर बिन अब्दुल्ला जवाब देते हैं, ऐ लोगों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से इस तरह चश्मों की तरह पानी बहने लगा कि अगर वहां अगर 1,00,000 आदमी होते, 1,00,000 की अगर तादाद होती, तो फिर नबी के उंगलियों से इस तरह से पानी बहने लगा कि 1,00,000 आदमी भी अगर होता तो पानी पी लेता, वजू भी कर लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन पानी में कमी नहीं आती, पानी तमाम के तमाम लोगों के लिए काफी हो जाता। लेकिन उस दिन हम लोगों की तादाद, हम लोगों की संख्या कितनी थी, 1,500 अफराद थे, 1,500 अफराद, 1-2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1,500 अफराद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से एक छोटे से प्याले से एके बाद दीगरे वजू कर लिया, पी लिया, प्यास बुझा ली। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ा सादिर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोजज़ात दिखाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। ऐसे नबी के अखलाक को मुताला कीजिए, ऐसे नबी के अखलाक का स्टडी कीजिए, ऐसे नबी के अखलाक का अध्ययन कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया, कैफा काना खुलुक रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ही जवाब दिया, काना खुलुकुहुल कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा का पूरा कुरान था। पूरा कुरान पढ़ते जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखते जाओ, पूरा कुरान मुताला करते जाओ,
पूरा कुरान का अध्ययन करते जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखते जाओ, पूरा का पूरा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आज मेरे भाई और दोस्तों, हम नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी के शहदाई हैं, हम नबी से मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। सिर्फ जुबानी दावा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ जुबान से इकरार, जुबान से स्वीकार करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि अखलाक के ज़रिए से, कैरेक्टर के ज़रिए से, हमें अपने आमाल के ज़रिए से, अपने कामों के ज़रिए से ये दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ, हम है नबी के मोहब्बत, नबी से मोहब्बत करने वाले, हम है नबी पर कुर्बान होने वाले, हम है नबी के शहदाई, हम है नबी के इत्तबा करने वाले। ये अखलाक के ज़रिए से हमें दिखाने की ज़रूरत है। क्या ऐसे नबी जिस नबी के ज़रिए से इतने सारे मोजज़ात सादिर हुए, ऐसे नबी को पाकर के क्या हम फ़ख्र नहीं करेंगे? क्या ये गर्व का मामला नहीं है? क्या ये फ़ख्र का मामला नहीं है? ज़रूर है। और आगे बढ़िए, सही बुखारी की एक और रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा के ताल्लुक से चंद मोजज़ात सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो सादिर हुए। सही बुखारी आप उठाइए, हदीस नंबर 3578, ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। इस हदीस के राबी अनस बिन मालिक है। सही बुखारी हदीस नंबर 3578, जाइए और अहादीस की किताब खोल करके देखिए और इन मोजज़ात को आप अपने से पढ़िए, और भी ईमान में ताजगी आएगी, ईमान में इजाफा होगा, ईमान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। अपने से जाकर के पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 3578 उठा करके देखिए, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के राबी नैरेटर हैं। क्या हदीस है? अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अबू तलहा नामी एक सहाबी ने घर में आकर के अपनी बीबी उम्मे सुलैम से कहा, ऐ मेरी बीबी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करते हुए जब मैंने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मैंने कमज़ोरी महसूस की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कर रहे थे, कमज़ोर लग रहे थे, कमज़ोरी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से ऐसा महसूस हो रहा था कि बातें निकल नहीं रही हैं। मुझे ये एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख और प्यास की वजह से कमज़ोर हो गए हैं। शिद्दत भूख की वजह से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमज़ोरी महसूस की। क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? ज़रा गौर से सुनिए, उम्मे सुलैम ने कहा, जी हाँ, घर में कुछ खाने के लिए है। अब उम्मे सुलैम ने क्या किया? अनस बिन मालिक हदीस को बयान कर रहे हैं। अनस बिन मालिक उस वक्त छोटे थे, और हमें ये मालूम होना चाहिए, अनस बिन मालिक वो सहाबी है जिनको खादिम रसूल कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवक कहा जाता है। एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, बल्कि एक लंबी मुद्दत तक, 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवा किया है। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, उम्मे सुलैम ने घर में जौ की कुछ रोटियों को निकाला, और रोटियां निकालने के बाद एक चादर में एक कोने में उन रोटियों को लपेट दिया, और लपेटने के बाद एक बड़ी चादर थी, बाकी चादर को मुझे उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद वो रोटी दे करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। अनस बिन मालिक का बयान है, मैं वो रोटियां लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गया, मैं क्या देखता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चुपके से जाकर के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से, वही के माध्यम के ज़रिए से बता दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अनस, क्या बात है, तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? अनस बिन मालिक ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे अबू तलहा ने भेजा है। कहा, क्या खाना देकर के भेजा है? अनस बिन मालिक ने कहा कि हाँ, खाना देकर के भेजा है। इतना कहना था
अनस बिन मालिक का बयान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए इकराम के पास जाते हैं, तमाम के तमाम सहाबाए इकराम को आवाज़ देते हैं कि तमाम के तमाम सहाबाए इकराम खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अबू तलहा के घर खाने के लिए जाना है। मामला तो बिगड़ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाए इकराम को लेकर के अबू तलहा के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, मैं दौड़ते हुए आगे आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं अबू तलहा के घर पहुंच जाता हूं। मैंने जाकर के कहा, अय अबू तलहा, मामला तो बिगड़ गया, मामला तो ख़राब हो गया। मैं चुपके से ये चंद रोटियां लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोटियों को एक दो सहाबी को लेकर के खा लेंगे, लेकिन मामला बिगड़ गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम के तमाम सहाबे इकराम को लेकर के घर आ रहे हैं। अबू तलहा अब जब ये मामला सुना, अबू तलहा अपनी बीबी उम्मे सुलैम के पास जाते हैं। उम्मे सुलैम के पास जाने के बाद कहते हैं, मामला बिगड़ गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे इकराम को साथ लेकर के आ रहे हैं। अब उम्मे सुलैम ने जब ये सुना, नबी अल्लाह के ऊपर ईमान तो देखिए, उम्मे सुलैम ने क्या कहा, जब नबी आ रहे हैं अब खाने का इंतज़ाम कैसे होगा, खाने का बंदोबस्त कैसे होगा, ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अबू तलहा दरवाजे पर आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वागत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, अबू तलहा चुपके से फिर कहते हैं, अल्लाह के नबी, खाना बहुत थोड़ा सा खाना है और आप इतने सहाबे इकराम को लेकर के आ गए हैं, हम खिलाए तो कैसे खिलाए, हमारे घर में इसके अलावा कुछ रोटियां नहीं है, कुछ खाना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ ऐ ऐ अबू तलहा, हलुम्मा फइन्नल्लाहा सयजअलु फीहिल बरका, ऐ अबू तलहा, जो भी खाना तुम्हारे पास है उस खाना को ले आओ, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत डाल देगा, बरकत अता करेगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते हैं, घर के अंदर दाखिल होने के बाद उम्मे सुलैम से भी कहते हैं, जो अबू तलहा की बीवी थी, ऐ उम्मे सुलैम, हल उम्मी या उम्मे सुलैम मा इंदका मा इंदके, ऐ उम्मे सुलैम, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस खाना को लेकर के मेरे पास ले आओ। उम्मे सुलैम खाना को वो चंद रोटियां जो अनस बिन मालिक को देकर के भेजी थी, चंद रोटियां लेकर के आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि उन रोटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, टुकड़े में तकसीम कर दिया जाता है, और उम्मे सुलैम को कहा जाता है, घी को इस रोटी में लगा दो। उम्मे सुलैम के पास कुछ घी बची हुई थी, रोटियों के टुकड़ों में घी को लगा देता है, अब वो रोटियों के लिए सालन बन जाता है, यानी वो सब्जी का काम करता है, वो तरकारी का काम करता है, सब्जी का काम हो जाता है। अब इन रोटियों को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआ पढ़ते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया था, उन रोटियों के ऊपर दुआएं पढ़ते हैं। दुआओं को पढ़ने के बाद अब अबू तलहा को कहते हैं, ऐ अबू तलहा, इज़न लि अशरा, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दो। बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी क्या करो, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दो। अबू तलहा कहते हैं कि मैंने 10 आदमियों को अंदर आने की दावत दी, 10 आदमी अंदर आए और खूब पेट भर के खाना खा लिया, सैरा सैर हो गया, आसूदा हो गया, आसूदा हो करके वापस चले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दूसरी मर्तबा, इज़न लि अशरा, फिर 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दो। फिर 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है, 10 आदमी आते हैं, खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं, वापस चले जाते हैं। तीसरी मर्तबा भी यही कहा जाता है, इज़न लि अशरा, 10 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दो। फिर 10 आदमी अंदर आते हैं, खाना पेट भर करके खाते हैं, वापस चले जाते हैं।
चौथी मर्तबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इज़न लिया शरा, दस आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दो। फिर दस आदमी अंदर आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, वापस चले जाते हैं। इस तरह से एक एक आदमी करके जितने भी वहाँ आदमी थे, और सहाबी वो बयान करते हैं, अबू तलहा बयान करते हैं कि उस दिन 70 या 80 आदमी थे, तमाम के तमाम लोग दाखिल हुए और पेट भर कर के खाना खाया, पेट भर कर के खाना खा कर के आसूदा होकर के चले गए, लेकिन रोटियां रोटियों में कोई कमी नहीं आई, रोटियां बची की बची रह गई। हमने भी खाया, नबी ने भी खाया, घर के दूसरे लोगों ने भी खाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दिखा दिया। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा नबी हमने पाया, ऐसा नबी हमने पाया, क्या ये गर्व की बात नहीं है? क्या ये फख्र की बात नहीं है? ऐसे नबी की तालीमात को क्या हम अपने सीने से लगाने के लिए अब भी तैयार नहीं है? जिस नबी को पाकर के हमें गर्व करना चाहिए, जिस नबी को पाकर के हमें फख्र करना चाहिए। आज हालत तो ये बन गई है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आदमी नहीं है, लेकिन बुरा मत मानिए, जब जलसा जुलूस होता है तो ऐसा लगता है कि सब के सब ये मुसलमान और मोमिन बन गए हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है मस्जिद में नमाजी नहीं है, ईदगाह में नमाजी नहीं है, तरावी की नमाज में नमाजी नहीं है, दूसरे कामों में नमाजी नहीं है, अच्छे काम करने वाले नहीं है। हम सिर्फ तकरीर सुनने वाले, हम सिर्फ नसीहत सुनने वाले, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालने वाले हैं। मेरे भाई और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमें अपना हिर्जे जान बनाने की ज़रूरत है, अपने जान से अपने दिल से लगाने की ज़रूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सीने से लगाने की ज़रूरत है, तब जा करके ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा सही साबित होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न जाने कितने मोजज़ा सादिर हुए। और आगे थोड़ा सा बढ़िए, सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी हदीस नंबर 3030 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2039 सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे भी आप देखिए अंदाज़ा कर पाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह का मोजज़ा सादिर हुआ। एक और हदीस सुनिए, सही बुखारी हदीस नंबर 3030 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2039। इस हदीस के राबी जाबिर बिन अब्दुल्ला है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं खंदक का मौका था। खंदक, अगर इस्लामी हिस्ट्री का मुताला जो लोग करते हैं वो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कुछ ना कुछ अगर इतिहास, इस्लामिक इतिहास का मुताला अध्ययन करते हैं तो पता चलेगा गज़वाए खंदक, एक खंदक नामी एक जंग, एक युद्ध हुई थी जो सन 5 हिजरी में हुई थी। इसमें काफिरों का दिफा करने के लिए, काफिरों से अपने आप को बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो सहाबा इकराम के मशवरे से ये बात तय पाई कि एक खंदक खोदी जाए ताकि ये काफिर जब हमला करने आए, मुसलमानों के ऊपर अटैक करने आए, आक्रमण करने आए, तो फट से आकर के मुसलमानों के ऊपर दबाव ना डाल पाए, आक्रमण ना कर पाए। एक बड़ी सी खंदक खोदी गई। जब वो खंदक खोदी जा रही थी उस वक्त का एक वाकया है। उस वक्त एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों एक मोजज़ा पेश आया। वो मोजज़ा क्या है? यही हदीस आप सही बुखारी हदीस नंबर 3030 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2039 के अंदर पा जाएंगे। इसके अलावा सुनन इब्ने माजा, सुनन तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, इन तमाम अहादीस की किताब में यह हदीस आई है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला बयान करते हैं खंदक खोदी जा रही थी और खंदक जब खोदी जा रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खंदक के खोदने के काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदद कर रहे थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोरी लायक हो गई थी। भूख के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर और लागर हो चुके थे। अब ये जाबिर बिन अब्दुल्ला घर आते हैं और अपनी बीबी से पूछते हैं, ऐ बीबी, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है?
उसकी बीबी जवाब देती है, हाँ खाने के लिए कुछ है। वो बीबी एक सा जौ निकालती है, एक सा लगभग 2.5 किलोग्राम जौ निकालती है। और जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे घर में एक बकरी का पालतू बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को मैंने ज़बह कर दिया। अब मेरी बीबी ने जब 2.5 किलो जौ के आटा को गूंद दिया, रोटी पकाने के लिए तैयार हो गई, और ये मैं एक बकरी के बच्चे को ज़बह कर दिया और गोश्त को भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए मैं जब जाने लगा, मेरी बीबी ने कहा, ऐ मियाँ, ऐ शौहर, एक बात का ख्याल रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे रुसवा ना करना, मुझे जलील ना करना, इसलिए कि खाना थोड़ा सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से जा कर के कहना। जाबिर इब्न अब्दुल्ला बयान करते हैं, मैं चुपके से गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा कर के, ज्यों ही मैंने कहा, अय अल्लाह के नबी, आप कमज़ोर हो गए हैं, भूख की शिद्दत है, आपको मेरी बीबी ने दावत पर बुलाया है, मेरे घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, उस बच्चे को मैंने आपके लिए ज़बह कर दिया है, 2.5 किलो जौ आटा था, उस आटे को मेरी बीबी ने गोंद लिया है, आपकी दावत मेरे घर में है, आप एक काम कीजिए, चंद साहब इकराम को साथ लेकर के, 2-3 साहब इकराम को साथ लेकर के आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, आपकी मेरे घर में आज दावत रही। अब मामला क्या हुआ देखिए, ज्यों ही जाबिर बिन अब्दुल्ला ने यह बात कही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दे करके कहा, या अहल अल खंदक इन्ना जाबिरन कद सना लकुम सूरा व हय्या हल्ला बिकुम। ऐ खंदक वालो, ऐ लोगो, इतने यहाँ जितने भी मौजूद हो, खंदक वालो, खंदक खोद रहे हो, ये जो गड्ढा खोद रहे हो, एक बात सुनो, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने तुम्हारा भाई, हम तमाम लोगों को दावत दी है, चलो हम दावत खाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ मामला बिगड़ गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला जब घर जाते हैं, अपनी बीबी को जाकर के कहते हैं कि मामला तो ये हो गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को बोल दिया, हल्ला मचा दिया, ये समझ नहीं पा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उस चीज़ को समझ पा रहे थे, इन्होंने कहा कि हल्ला मचा दिया, मामला बिगड़ गया, नबी ने तो तमाम लोगों को कह दिया, तमाम के तमाम सहाबा इकराम को लेकर के आ रहे हैं। अब उनकी बीबी कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि चुपके से जा कर के कहना, अब तुम रुसवा हो जाओगे, जलील हो जाओगे, हमारे पास खाने के लिए उतना खाना नहीं है, 3-4 आदमी का खाना होगा, तमाम लोगों को लेकर के आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरी बीबी, मैंने तो वही कहा था, मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे सिखाया, मैंने चुपके से जा कर के कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्ला कर दिया कि चलो जाबिर के घर में दावत है, एकदम आवाज़ दे करके, चलो जाबिर तुम्हारा भाई घर में दावत दिया है। अब आदमी तो परेशान होगा ही, 3-4 आदमी की दावत और 3-4 आदमी का खाना है, और इतने तमाम लोगों को हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को कह दिया, अब ये परेशान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जाबिर, ला तंजिलन्ना बुरमतकुम वला तखबिजन्ना अजीनतकुम हत्ता अजिया। एक बात का ख्याल रखना, हांडिया चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना, गोश्त पकाने के लिए हांडियों को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना, लेकिन हांडी को चूल्हे से नीचे मत उतारना। वला तखबिजन्ना अजीनतकुम, और रोटी पकाना शुरू मत कर देना जब तक कि मैं वहाँ ना आ जाऊँ, मैं जब तक ना आ जाऊं, हांडिया चूल्हे से मत निकालना, रोटियां पकाना मत शुरू कर देना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद उस आटा को जो गूंधा गया था, उस आटे को लेकर के बुलाते हैं, उस आटे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन, अपना लाला को लगा देता है, लाला समझते हैं ना, लाला अपनी ज़ुबान से, जो लाला हम अपनी ज़ुबान में, बंगला ज़ुबान में कहते हैं, मुँह का लाल लाला,
ये जो हमारी ज़ुबान से निकलता है लुआब, उर्दू में कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दहन को आटा में लगा देते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म बाबरकत था। लुआबे दहन आटे में लगा देते हैं और हांडी को मंगवाया जाता है, हांडी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी थूक और लुआबे दहन को लगा देते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चलो हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दो, और एक बात का, एक चीज़ का ख्याल रखो, एक और औरत को बुला लो ताकि वो भी तुम्हारे साथ रोटी पकाना शुरू कर दे, इसलिए कि तुम अकेली रोटी इतना नहीं पका सकोगी, एक और लड़की को, एक और औरत को बुला लाओ, वो भी तुम्हारे साथ रोटी पकाने लग जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम अपने चूल्हे से गोश्त के हांडी को मत निकालना। अब रोटी पकाना शुरू कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब कहा कि हांडी को चूल्हे से मत निकालना, रोटी पकाते रहना और हांडी से गोश्त निकालते रहना। अब प्याला लेकर के हांडी से गोश्त निकालता गया, रोटी देता गया, एक एक करके तमाम के तमाम लोगों ने खा लिया, तमाम के तमाम लोग आसूदा हो गए। और खाने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, एक सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, तमाम के तमाम लोगों ने खा लिया, आसूदा हो गया, लेकिन अब भी रोटी उतनी की उतनी ही थी, गोश्त भी उतना ही था, ना रोटी में कमी आई ना गोश्त में कमी आया। तमाम के तमाम लोगों ने खा लिया, तमाम के तमाम लोग आसूदा हो गए, यहाँ तक के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, घर के लोगों ने भी खाया, यहाँ तक के पड़ोसियों में भी उस खाने को तकसीम किया गया, पड़ोसियों में भी तकसीम किया गया। इतनी बरकत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। मेरे भाई और दोस्तों, अगर इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को बयान करते जाऊं पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात ख़त्म नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत चीज़ें और इन चीज़ों का बयान ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये हम जैसे मौलवियों की ये बस की बात नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का कमा हक़्क़हू बयान और तज़किरा कर पाऊँ। इसलिए बयान करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े नबी, इतने बड़े महान व्यक्तित्व, इतने बड़े पर्सनालिटी, हमने उनको नबी के तौर पर पाया और उनके ज़रिए हमने कुरान पाया, हमें गर्व होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना हिर्ज़े जान, अपने दिलो दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। नबी ने जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, जिस रास्ते से दूर रहने का हुक्म दिया, इन तमाम चीज़ों पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं आए थे, बल्कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम मानव जाति के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप उठाइए, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन्नास ला यालमून। सूरह सबा, सूरह नंबर 34, आयत नंबर 28 उठा करके देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया जा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरियाँ सुनाने वाला, डराने वाला बना करके भेजा है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं है, अक्सर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करामात को नहीं समझ पाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना को समझ ही नहीं पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी आयत सूरह आराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 158 उठा करके देखिए, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐ अल्लाह के नबी, आप बयान कर दीजिए, ऐ लोगों, मैं तुम तमाम लोगों की तरफ
अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हूँ, तुम तमाम लोगों की तरफ मुझे नबी बना करके भेजा गया है, मुझे रसूल बना करके भेजा गया है। इस दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं आए, मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि तमाम के तमाम लोगों को हिदायत का रास्ता दिखलाने के लिए, सीधा रास्ता दिखलाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखलाने के लिए आए हैं। और इसी वजह से आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत से नबी की जिस तरह से इज्जत है, नबी की जिस तरह से सम्मान है, नबी को जिस तरह से बुलंदी हासिल है, नबी को जिस तरह सरबुलंदी हासिल हुई थी, नबी की बदौलत से हम उम्मतियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। तमाम उम्मतियों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, ये नबी की बदौलत से है। नबी चूँकि महान व्यक्ति है, नबी को बुलंदी मिली, नबी को इज्जत मिली, नबी को सरबुलंदी मिली, नबी को सम्मान मिला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हम तमाम लोगों को, यानी हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम तमाम लोगों को क्या कहा गया, उम्मते वसत और सबसे बेहतरीन उम्मत कहा गया। दलील आप उठाइए सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कुंतुम खैर उम्मत, ऐ लोगों तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए पैदा किए गए हो, ऐ लोगों कहीं के भी रहने वाले हो, अगर नबी के उम्मत हो, नबी के मानने वाले हो, नबी के ऊपर ईमान लाने वाले हो, नबी की इत्तबा करने वाले हो, तो कान खोल करके सुन लो, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, लोगों के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, क्यों पैदा किया गया है, तामुरून बिल मारूफ तुम भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौन अनिल मुनकर तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें उम्मते वसत, हमें खैरा उम्मत से ताबीर किया गया, सबसे बेहतरीन उम्मत कहा गया। और बेहतरीन उम्मत क्यों कहा गया, इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारी ड्यूटी भी है कि हम भलाई का हुक्म दें, हम बुराइयों से लोगों को रोके और ख़ुद भी अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, ईमान लाने के साथ साथ भलाई का काम करने का हुक्म दे, बुराई से लोगों को रोकने की कोशिश करे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें ये इज्जत मिली, ये हमें शरफ मिला, ये हमें फजीलत मिली, ये हमें अहमियत मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। अब हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, अब हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को आगे बढ़ाए, अल्लाह भलाई का हुक्म दे, बुराई से लोगों को रोके। मशहूर व मारूफ रिवायत है, मन रआ मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तति फबिलसानी फइन लम यस्तति फबिकल्बी वदालिका ज़ुल ईमान। ऐ लोगों तुम में से किसी भी आदमी के सामने अगर शरीयत का खिलाफ कोई काम हो रहा हो, अनुस्लामिक कोई काम हो रहा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके, अगर ताकत है तो हाथ से रोके। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जुबान से मना करने की कोशिश करें, जुबान से भी मना करने की ताकत नहीं है, दिल से मना करने की कोशिश करें। वज़ालिका ज़ुल ईमान, और ये सबसे निचला ईमान है, सबसे निचले दर्जे का ईमान है। ये नबी ने हमें हुक्म दिया, ये नबी का आदेश है, ये नबी का फरमान है, नबी की तालीमात को उजागर करना, नबी के तालीमात को प्रचार करना, नबी के तालीमात को चारों तरफ फैला देना, ये अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस इंसान की जो इज्जत, जिस इंसान को जो इज्जत मिलती है, जो सम्मान मिलता है, किसी भी इंसान को ऐसे ही इज्जत नहीं मिल जाती है, ऐसे ही सम्मान नहीं मिल जाता है, ऐसे ही सरबुलंदी नहीं मिल जाती है, बल्कि इज्जत तो तब मिलती है जब इंसान मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जिम्मेदारी का पालन करता है, ड्यूटी का पालन करता है, इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, इंसान को सम्मान मिलता है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को आगे बढ़ाए। मेरे भाई और दोस्तों, शायद मेरा वक्त करीब आ
गया है। मैं आखिर में ये कह कर के जाना चाहूँगा कि नबी की तालीमात को उजागर करना, नबी की तालीमात को प्रचार करना, नबी की तालीमात को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा देना, ये उम्मत मोहम्मदिया हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, हम जैसे लोगों की ड्यूटी है, हम जैसे लोगों का ये दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। सिर्फ एक मुस्कान नामी औरत वो अगर कर्नाटक के यूनिवर्सिटी में आकर के, कर्नाटक के कॉलेज में आकर के पर्दा करके, बापर्दा होकर के, हिजाब पहन करके यूनिवर्सिटी में एंट्री ले, दाखिला ले और एडमिशन ले, एंट्री लेते ही अगर भगवाधारी कुछ लोग अगर वो स्लोगान देते रह जाए, ये स्लोगान देते रह जाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ और पर्दा के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ अगर स्लोगान दे, और वो मुस्कान नामी औरत, एक औरत अगर अल्लाह अकबर कह करके अपने ईमानी जज्बा का इजहार करे, ये सिर्फ हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि हम मुस्कान के इस वीडियो को देखकर के कमेंट पर कमेंट लिखने के लिए तैयार हैं, कमेंट पे कमेंट हम करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह अकबर लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया, क्या हमने कभी ये देखा कि मेरी बेटी बेपर्दा होकर के जलसे में घूम रही है, मेरी बीबी बेपर्दा होकर के जलसे में घूम रही है, मेरी बहनें बेपर्दा होकर के लिपस्टिक लगा करके और बनाव सिंगार करके ब्यूटी पार्लर से आकर के जलसे में घूम रही है, मेरी ही बेटी है, मेरी ही माँ है, मेरी ही बीबी है, ये तमाम के तमाम औरतें मुसलमान होकर के बेपर्दा होकर के घूम रही है। सिर्फ एक मुस्कान के बापर्दा होने की वजह से अल्लाह अकबर लिखने से कुछ काम नहीं होता है। अल्लाह अकबर लिख दे और कमेंट लिख दे, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, अपनी बेटी को बापर्दा करना पड़ेगा, अपनी बहन को पर्दे के अंदर रखना है, अपनी बीबी को पर्दे के अंदर रखना है। ये जलसे के नाम पर मैं बारहा ये बयान करता हूँ, जलसे के नाम पर यह बेपर्दगी का इजहार बंद कीजिए, जलसे के नाम पर यह खुराफात बंद कीजिए। ऐसे बाप, ऐसे भाई, ऐसे दादा, ऐसे जितने भी गार्जियन है, ये सबके सब दयूस है, ये सबके सब हिजड़े हैं, जो अपनी बीबी को अपनी बीबी को कंट्रोल में रखने के लिए इनकी ताकत नहीं है, अपनी बहन को कंट्रोल में रखने की ताकत नहीं है, अपनी बीटी बेटी को कंट्रोल में रखने की ताकत नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियाँ जलसे में घूम रही है, क्या ये सबके सब गैर मुस्लिम की बेटियां हैं वो आकर के जलसे में घूम रही है? नहीं, हमारी ही बेटियां, हमारी ही बहनें हैं। आज हम कहां जा रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों? आखिर में एक बात कह करके ख़त्म करूंगा, अगर आप इस मजलिस में बैठ करके, अगर आप यहां जलसा नहीं हो रहा है मान लीजिए, इस मजलिस में बैठ करके आप गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह तो है, लेकिन इसी गुनाह को अगर आप मस्जिद में जा करके करेंगे इसका ग्रेड बढ़ जाता है, इसी गुनाह को अगर आप मक्का में जा करके करेंगे इसका ग्रेड और ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आप बैतुल्लाहिल हराम में जा करके करेंगे इसका ग्रेड और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम जलसे के नाम पर खुराफात करें, जलसे के नाम पर बेपर्दगी का इजहार करे, शर्म नहीं आती है? क्या ये सबके सब जितने लड़कियां और जितने लड़के घूम रहे हैं, या क्या सबके सब ये बगैर दुआ के पैदा हुए हैं? इनके माँ बाप दुआ पढ़ करके इनको पैदा नहीं किया है? या इनके माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? ये हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही बहनें हैं। आज हम कहां जा रहे हैं? जलसे के नाम पर अगर ये बेपर्दगी का इजहार करेंगे, इससे बेहतर ये है, मैं कहकर जाऊंगा, इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे जलसों को बैन कीजिए, ऐसे जलसों को बंद कीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ तकरीरें सुने और तकरीरें सुनने के बाद अपनी बेटियों को पर्दा के अंदर रखने के लिए तैयार ना हो, अपनी बहनों को पर्दा के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी बीवियों को पर्दा के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ये जलसा सबके सब बेकार है। ये रुपया खर्च करना, ये पिंडाल का इंतजाम करना, ये सबके सब बेकार है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, बयान करने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी नबी के तौर पर पाया, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें ज़रूरत इस बात की है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जलसा को जलसे की तरह रहने दें, जलसा को दीनी मजलिस की तरह इसको बरकरार रखे, इसको मेला ठेला और विचित्र अनुष्ठान बनाने की कोशिश ना करें।
अल्लाह इन तमाम चीज़ों पर हमें अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने अंदर दाखिल करने की तौफीक अदा फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करने की हमें तौफीक अदा फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, इस जलसे का जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है, जिस तरीके से जो भी सहायता किया है, तमाम लोगों के लिए मैं खुले दिल से दुआ करता हूँ। अल्लाह इन तमाम लोगों को अजर अजीम से नवाज, और इनमें से जलसा के कमेटी में से जो भी गलत काम कर रहे हैं या जो भी बेनमाजी हैं, उन लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि जलसा कीजिए लेकिन साथ साथ नमाज पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को नमाज का पाबंदी बना दे, आम तौर पर हम तमाम लोगों को नमाज के पाबंदी बना दे, आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन, वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।